पॉलिटिकल अफेयर के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप लोगों को उसकी जानकारी के लिए हम इतना बोला है, इस वजह से आप लोग कुछ क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, सवाल पूछेगा, उसमें आप लोग से आंसर लेने का। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग जानते हैं कि बहुत जगह पे CO2 नहीं तो DCP, हमेशा ध्यान रखते हैं इलेक्ट्रिकल फायर, अगर DB या AC किसी में भी अगर आग लगता है तो वाटर का फायर सिलेंडर जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। पानी से जो है बिजली ऑल पर्पज सिलेंडर जो है वो DCP होता है, ड्राई केमिकल पाउडर। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है, अगर हम लोग मारते हैं तो पाउडर के वजह से जो है इलेक्ट्रिकल जो सामान है वो खराब होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिकल फायर को जो है CO2 मारना चाहिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका एकदम सिंपल है, चार स्टेप है, ठीक है। पास, PASS, ठीक है। पास का फुल फॉर्म है, पहला है P है ये लॉक पिन, जब तक ये पिन नहीं निकलता इसको हम लोग दबा नहीं सकते, तो पास का P है पुल द पिन, ये पिन निकालने का। बाद में M, ये जो होस है इसको आग के निचले हिस्से में जो है इसको एम करना, ठीक है, क्योंकि ऊपर जब हम लोग ऊपर की तरफ मारे हिस्से में ही इसको पॉइंट करना है। फिर नोजल को स्क्वीज करना है, और स्क्वीज के बाद जो है होस को हमेशा फैलने का खतरा ज़्यादा है। फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने से पहले हवा का डायरेक्शन हमेशा ध्यान दें, हवा का रुख जिस तरफ है उसके ऑपोजिट में खड़े रहना, वरना क्या होगा हवा की वजह से हो सकता है आग और DCP जो भी फायर एक्सटिंग्विशर की यूज़ कर रहे हैं हमारे ऊपर आने का चांस, जो आग बुझा रहा है उसके ऊपर आने का चांस ज़्यादा है। अगर आपको फायर सिलेंडर इस्तेमाल करना